महाराष्ट्र के वर्धा में मध्य रेलवे के परियोजना से कई किसान प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल वर्धा नांदेड़ रेल परियोजना के कारण वर्धा जिले की देवली तहसील के 30 किसानों के खेत बंजर बन गए हैं। तो वहीं रेल परियोजना का कार्य करते वक्त ठेकेदार ने जल निकासी के नैसर्गिक मार्ग को बंद कर दिया था, जिससे रेल मार्ग के निकट खेत तालाब में तब्दील हो गए हैं, जिससे कि जमीन की उपज क्षमता नष्ट होकर खेत बंजर बन चुके हैं। रेल और राजस्व प्रशासन को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे इलाके के लोग परेशान हैं। देवली ब्लॉक में रेलवे का कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेसिव है और बहुत जगह पे उनका कंस्ट्रक्शन के कारण जो बाजू के खेत है उनमें पानी भरा है। इसके बारे में इससे पहले भी हमने रेलवे की जो अथॉरिटी है इंजीनियर उनको बताया है, तो इस बार भी हम ऐसा करेंगे, एक संयुक्त ज्वाइंट सर्वे करेंगे और उनको बता देंगे इसका जो भी।